हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है। और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एक तरह की फ्यूजन वेल्डिंग होती है। फ्यूजन का मतलब क्या है इसको समझते हैं पहले हम। फ्यूज मतलब होता है एक मेटल जब कम्प्लीटली दूसरे मेटल के साथ कम्प्लीटली फ्यूज होती है, मिक्स हो जाती है। मिक्स कब होगी? जब उस पर हम हीट एप्लीकेशन यूज करेंगे। जैसे ही हम हीट एप्लीकेशन यूज करते हैं तो एक मेटल दूसरे मेटल के बीच में जो ज्वाइनिंग गैप होता है, जहां पे हमें दोनों को ज्वाइन करना है, वो क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो मेल्ट होते चले जाएगी तो दोनों जो मेटल है वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स कैसे होंगे, किस फॉर्म में होंगे? लिक्विड मेटल के फॉर्म में, जिसको हम बेल्ट पूल भी बोलते हैं। जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, बेल्ट पूल बोलते हैं। तो बेल्ट पूल में आपका लिक्विड मेटल रहेगा। जैसे आपका बेल्ट पूल क्रिएट होता है, उसके बाद वहां से पावर सप्लाई कट करने पे वही बेल्ट पूल आपका कन्वर्ट हो जाता है एक हाई स्ट्रेंथ ज्वाइंट में। तो ये फ्यूजन का मतलब होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग किस तरह की वेल्डिंग है? फ्यूजन वेल्डिंग है। बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्क एंड स्पार्क। तो आर्क क्या होता है और स्पार्क क्या है, इसको समझ लीजिए। आपने स्पार्क प्लग देखा होगा बाइक वगैरह में, जो स्पार्क प्लग होता है उसके रिगार्डिंग क्या है, जब आप किक मारते हैं तो आपने देखा होगा छोटा सा स्पार्क आता है। या फिर आपने गैस लाइटर वगैरह देखा होगा, जैसे ही आप गैस लाइटर को स्ट्राइक करते प्रेस करते हैं तो स्ट्राइक होने के साथ ही एक चिंगारी सी निकलती है, उसको स्पार्क बोलते हैं। तो ये स्पार्क है। बट आर्क क्या होता है, अगर ये स्पार्क लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, मींस स्पार्क और आर्क को कैटेगराइज करना है तो कैसे करेंगे? स्पार्क विल बी प्रोड्यूस फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड डोंट हैव इनफ इंटेंसिटी टू मेल्ट द मेटल। मेटल को मेल्ट करने के लिए इंटेंसिटी नहीं होती उसके पास, बट वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रोड्यूस होगा। बट दैट स्पार्क विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, देन इट विल कन्वर्टेड और टर्म एज अ आर्क। आर्क क्या बोलेंगे? जब वही स्पार्क आपका कंटिन्यूटी में बना रहेगा तो वही स्पार्क आपका आर्क के फॉर्म में आ जाएगा, जिसकी वजह से उसको उसकी हीट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी और मेटल आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आर्क का यूज करना है। अब आर्क में प्रोड्यूस करना है तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई और एसी और डीसी सप्लाई। हम इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, जो कि हमें एसी और डीसी सप्लाई से मिलेगी, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे। वही स्पार्क आगे चल के आपका क्या है, आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। मतलब जैसे ही हम मेटल को ज्वाइन करेंगे, हमारा वो मेटल आपका कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ शील्डिंग गैसेस का भी यूज करते हैं और फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का भी यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट द बेल्ट पूल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। आपको मैंने ये, आप अच्छे समझ लीजिए कि जब भी कोई वेल्डिंग होती है वो आपको प्रोटेक्ट करना होता है एनवायरनमेंट से। क्यों करना होता है प्रोटेक्ट? बिकॉज एनवायरनमेंट में हमारे पास सब डिफरेंट टाइप्स की गैसेस अवेलेबल हैं। वो गैसेस अगर हम डायरेक्टली जब मोल्टन मेटल कंडीशन में आती है तो एट दैट कंडीशन क्या होता है, ये गैसेस उसमें मिक्स होना शुरू हो जाए। मिक्स होने का मतलब क्या है कि वो उससे रिएक्शन करना शुरू कर देती है। रिएक्शन करके डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड बनाती है या इम्प्योरिटी डेवलप करती है, जिसकी वजह से आपका बेल्ट स्ट्रेंथ पुअर हो जाती है। सो इसके रिगार्डिंग, इस डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेल्ट पूल के चारों तरफ एक एनवलप बना देते हैं। एनवलप मतलब इस तरह से, अभी मैं आगे भी बताऊंगा आपको, एक एनवलप बना देते हैं। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा ये एनवलप है। तो ये एनवलप हम बना देते हैं ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन है वो कट हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं फ्लक्स और शील्डिंग गैसेस। शील्डिंग गैसेस आपकी कह सकते हैं जो इनर्ट गैसेस होती हैं, वो आपकी शील्डिंग गैसेस की तरह यहाँ पे एक्ट होती है। जो टेम्परेचर होता है नियर अबाउट इसका लेते हैं, वो हम 4500 डिग्री सेंटीग्रेड से 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के नियर अबाउट ये टेम्परेचर हम यहाँ रखते हैं जो कि हमें प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर गैस वेल्डिंग से थोड़ा सा ज्यादा होता है,
तो जब हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग हम ये काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। एसी और डीसी सप्लाई दोनों हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी वर्किंग पे बात करते हैं। वर्किंग यूज करने से पहले हम इसका सेटअप कॉस्ट देखेंगे, सेटअप देखेंगे। सेटअप क्या है, एक हमारे पास एसी डीसी सप्लाई होगी जिसको हमने वेल्डिंग मशीन बोल रखा है। इसमें दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो आपका यहाँ पे बेल्ट इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट होगा, और पॉजिटिव टर्मिनल जो आपका है वो मेटल वर्कपीस से कनेक्ट होगा। तो यहाँ से आप जैसी, और इलेक्ट्रोड होल्डर से ही आपका एक इलेक्ट्रोड होगा जो कि फ्लक्स कोटेड यूज होगा। अगर आप गैसेज वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, शील्डिंग गैसेज, तो आप फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग एनवलप अराउंड द बेल्ट बीड। ये आपकी बेल्ट बीड है। सपोज ये देखो, ये दो प्लेट्स हैं जो बेस मेटल है, इनके बीच में ये गैप है, मींस यहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है। तो जैसे जैसे वेल्डिंग होती चली जाएगी वहां पे सॉलिड बॉन्ड एक दूसरे के, दोनों मेटल्स के बीच में बन जाएगा और फाइनली आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये इसका सेटअप है। अब अगर इसकी वर्किंग की बात करें, यहाँ भी आप सेटअप देख सकते हो। लाइन डायग्राम अगर हम बात करें, ये एसी सप्लाई है हमारे पास यहाँ से, और डीसी भी यूज कर सकते हैं। दोनों केबल आपके कनेक्ट हुए हैं। ये आपका स्पार्क, सॉरी ये आपका आर्क है जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा। इसी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं कि जो आपकी वेल्डिंग होती है उस वही आपका इस आर्क में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी वर्किंग का। इनिशियल केस में हमने आपको बताया वर्किंग के रिगार्डिंग, आपसे बोला है कि आपके दो दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड होता है आपका, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड केबल है। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड केबल जो है वो आपकी बैटरी से कनेक्टेड या एसी या डीसी सप्लाई से कनेक्टेड होती है। हमने अभी बोला आपको नेगेटिव टर्मिनल, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपका वो आपका क्या है, बैटरी से कनेक्टेड होगा वर्कपीस के साथ। मतलब कह सकते हैं कि ये आपका मेटल वर्कपीस पॉजिटिवली कनेक्टेड होता है और ये आपका जो इलेक्ट्रोड है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जब हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो इस तरह का अगर सेटअप है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली कनेक्टेड टर्मिनल से और पॉजिटिव कनेक्टेड आपका वर्कपीस, तो आप इसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। तो इस जब ऐसे हमने पावर सप्लाई ऑन की, हमारी करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रोड में क्या होगा, इनिशियल केस में स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क प्रोड्यूस होते ही वही स्पार्क आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्क में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम कंटिन्यूस उसको सप्लाई दे रहे हैं करंट की। इन दैट केस दैट स्पार्क विल कम इन कॉन्टेक्ट टू बेस मेटल, जो आपकी बेस मेटल है उसके कॉन्टेक्ट में आएगा और वहां पे आपका क्या करेगा, मेल्टिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब जो हीट की इंटेंसिटी होगी वो आपकी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी और आपका बेस मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप टाइम पास जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोड का कुछ अमाउंट और मेटल वर्क पीस का कुछ अमाउंट दोनों मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि पोलैरिटी कैसी है, अब वो अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि अगर स्ट्रेट पोलैरिटी है तो आप ये मान के चलिए 67% जो है वो आपका मेटल वर्क पीस पे हीट फोकस्ड होती है, जिसकी वजह से 60% हीट जो कंज्यूम की जाती है किसके, मेटल वर्क पीस के द्वारा, अगर हम डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन केस आपका क्या है, अगर हम इस डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में ही इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसमें 33% आपका क्या है, इलेक्ट्रोड कंज्यूम होगा। मतलब जो हीट कंज्यूम की जाएगी इलेक्ट्रोड के थ्रू वो आपकी कितनी है, 30%। टोटल हीट अगर 100% है तो उसका 33% इलेक्ट्रोड के थ्रू आपका कंज्यूम की जाएगी। जैसे ये कंज्यूम होगा तो आप देखेंगे कि 67% मेटल मेल्ट हो रहा है, 33% आपका इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है, तो दोनों आपके यहाँ पे मिक्स होके बेल्ट पूल बना लेंगे। बेल्ट पूल मतलब एक मोल्टन मेटल का एक सॉल्यूशन या आप लिक्विड फॉर्म कह सकते हैं, जस्ट लाइक अ वाटर पूल। जैसे आपका वाटर पूल होता है जहाँ पे वाटर कंटेंट ह्यूज अमाउंट में होता है, यहाँ पे मोल्टन मेटल यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, अब मैंने आपसे बोला है शील्डिंग गैसेस का यूज करो या फिर फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज करो, तो यहाँ पे फिलर रॉड का भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसा आपका जो भी आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। सपोज हमने फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का यूज किया इस, तो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड क्या करेगा, फ्लक्स मेटल के साथ जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ तो मेल्ट होके कहाँ मिक्स होगा, मोल्टन मेटल में, बेल्ट पूल में मिक्स होगा। बेल्ट पूल में जब मिक्स होगा तो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन करेगा, जो इम्प्योरिटी वगैरह मेटल सरफेस पे थी, जो मिक्स फ्यूजन के टाइम पे मिक्स हो गई है, उनके साथ रिएक्शन करके बेल्ट बीड के फॉर्म में, एक तरह के इम्प्योरिटी के फॉर्म में ये ऊपर आपका टॉप सरफेस पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। साथ ही क्या काम करेगी, ये एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्रिएट करेगी अराउंड दी बेल्ट जोन, जो आपका ये बेल्ट जोन है इसके आसपास एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्रिएट करेगी, जो कि हेल्प करेगी आपकी किसको, जो एनवायरमेंटल गैसेस हैं वो उनको डायरेक्ट मिक्स होने से रोकने के लिए पूल में। ठीक है, आप इनर्ट गैसेस का भी यूज कर सकते हो, उनका भी फंक्शन यही है कि आपका ये प्रोटेक्शन लेयर बना देते हैं, एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं बेल्ट जोन को, जिससे आपकी बेल्डिंग आपकी कंप्लीटली अच्छे से हो सके। अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो यहाँ पे पोरोसिटी डिफेक्ट आएगा, पोरोसिटी मतलब वहां पे एयर बबल्स बन जाएंगे जब आप मटेरियल सॉलिडिफाई करेंगे। तो अब देखिए, जब ये मेल्ट हो गया कंप्लीटली तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे बेल्ट पूल सॉलिड सॉलिड होने के लिए कोशिश करेगा, अगर आप यहाँ से पावर सप्लाई कट कर देते हैं। जैसे ही आपने पावर सप्लाई कट की, यहाँ से बेल्ट पूल जो है वो आपका सॉलिड होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, और वो बेल्ट बीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा जो बेल्ट पूल है आपका। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के थ्रू हम इजीली एक अच्छी क्वालिटी का बॉन्ड या जॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो वर्किंग हुई इसकी। ठीक है, अब इस वर्किंग में ये सब वर्किंग आप समझ लीजिए, ये आपकी वर्किंग है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेट और रिवर्स पोलैरिटी की। तो मैंने अभी बोला आपको डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में, मैंने कहा है कि जो वर्क पीस होता है वो आपका पॉजिटिवली कनेक्टेड होता है, और जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिवली कनेक्टेड होता है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ से हो रहा है, इस तरह हो रहा है, यहाँ से इस तरह फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो जो हीट कंजम्पशन है वो आपका, ये जो इलेक्ट्रोड है वो 33% कंज्यूम करेगा, जबकि मेटल वर्कपीस जो है वो 67% हीट कंज्यूम करेगा। जबकि इन केस ऑफ रिवर्स पोलैरिटी अगर हम बात करें तो रिवर्स पोलैरिटी के केस में क्या हो जाएगा, हमने टर्मिनल चेंज कर दिया, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको हमने पॉजिटिवली कनेक्टेड कर दिया और जो मेटल वर्कपीस है उसको नेगेटिवली चार्ज कनेक्टेड कर दिया। ड्यू टू दैट जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इस तरफ हो रहा है ऐसे। तो आप देख सकते हैं जो हीट, जो आर्क प्रोड्यूस होगा वो आर्क का 67% हीट जो है वो कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रोड, जबकि 33% जो है वो आपका बेस मेटल जो है या पेरेंट मेटल उसको कंज्यूम करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड है पहले यहाँ पे 33% कंज्यूम हो रहा था, बट 33% कंज्यूम होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग रेट थी वो कम थी इन कंपैरिजन टू मेटल वर्कपीस। बट इस केस में क्या होगा, रिवर्स पोलैरिटी में जो मेटल वर्कपीस है वो आपका कम फ्रिक्वेंसी या कह सकते हैं कम रेट से मेल्ट होगा इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ज्यादा जल्दी मेल्ट होगा, और मेल्ट होके किस में मिक्स होगा, बेल्ट पूल में। तो आप कह सकते हो कि जब भी हमें इस तरह की वेल्डिंग आपका प्रेफर करना है तो हम स्ट्रेट पोलैरिटी को प्रेफरेंस देते हैं इन कंपैरिजन टू रिवर्स पोलैरिटी। बट अगर हमारे पास थिन सीट्स हैं उनकी बेल्डिंग वगैरह करना है, या सरफेस हमें बेल्ड करना है जहाँ पे हमें डीप पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, रिवर्स पोलैरिटी को यूज करते हैं। तो बोथ दी ऑपरेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हमें स्ट्रेट पोलैरिटी कब यूज करना है, रिवर्स पोलैरिटी कब यूज करना है। आई थिंक क्लियर होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये आपका फ्लो है, ये भी एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से हम मटेरियल को फ्लो करा रहे हैं, सॉरी एटम्स हमारे करंट फ्लो हो रही है उसके रिगार्डिंग आपका आर्क जो है मेटल को इलेक्ट्रोड को कंज्यूम कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, और
और अगर इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता है तो उसको नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। एडवांटेजेस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये पोर्टेबल होती है, आप इजीली इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं वेल्डिंग को। अब सेटअप आपने देखा होगा, ये रहा इसका सेटअप, तो इजीली आप इसका एक वेल्डिंग मशीन है, बाकी ये इससे कनेक्टेड रहते हैं, तो आप इजीली इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि ये पोर्टेबल होता है। दूसरा कि अगर आपका मेटल वर्क पीस जो है उसकी सरफेस डर्टी है, डर्टी का मतलब क्या है, वहां पे ऑयल कंटेंट वगैरह है या कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो इन दैट केस ये इजीली वेल्ड कर सकती है। अदर वेल्डिंग्स में क्या होता है, वहां पे डिफेक्ट वगैरह डेवलप होगा, बट ये क्या करेगा, जो फ्लक्स है वो क्या करेगा, उस इम्प्योरिटी के साथ मिक्स रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके SiO2 एक तरह का स्लैग आपका प्रोड्यूस करेगा। इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती इसकी, ये फास्ट वेल्डिंग प्रोसेस है। अगर हम कंपेयर करें अदर वेल्डिंग प्रोसेस से, ये आप कह सकते हैं कि इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्क वेल्डिंग बीट कैन बी यूज टू क्रिएट डिजाइन ऑन फाइन मेटल। तो आप कह, ये जो आर्क वेल्डिंग है वो आपका जो बीट प्रोड्यूस करेगी वो फाइन मेटल के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये लास्ट जो एडवांटेज है वो क्या है कि इसमें हम जरूरी जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है हमारे पास जो ट्रांसफार्मर वगैरह वहां से यूज कर सकते हैं, आप जनरेटर वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप जनरेटर वगैरह का यूज कर सकते हैं, ये एडवांटेज है इसके। डिसएडवांटेज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसमें वेल ट्रेंड स्किल ऑपरेटर की नीडेड होती है। क्यों, अगर ज्यादा अच्छा हमारे पास ट्रेंड ऑपरेटर होगा तभी हमारी वेल्डिंग अच्छी परफॉर्म होगी, इसलिए इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है वेल्डिंग कॉस्ट। ये थिन मटेरियल के लिए मैंने बताया था सुटेबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ये मेल्ट कर देगी शीट को। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो आपकी क्या होती है, चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट चेंज होती रहती है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आज की क्लास में, फिर यहीं स्टॉप कर रहा हूं। थैंक यू एवरीवन।